We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance that Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation? No, 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 Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Now, another very interesting thing I noticed. Anji. That is not your problem. And there's another thing I noticed, that it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। सब समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर बात नहीं बन रही, चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। आप कांग्रेस पार्टी ने शिवजी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ, एड्रेस इधर करें। ही सेड, एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूँ सर? तरीका ठीक। सर कहाँ रखूँ? यहाँ रख दूँ सर? आप यहाँ मत, यहाँ रख देता हूँ सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में
महावीर, डराओ मत, अब है मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में तीन फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside the speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अभय मुद्रा ये आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को टेस्ट नहीं पहुंचे सर, मुझे बोलने नहीं ध्यान रखना चाहिए। ये जो विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, ये सब हिंदू है यहाँ पे, ये सब हिंदू है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता आज पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं दो नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है
वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीट करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोना फाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है, इनकी बोना फाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है, सदस्यों पे तो लगाया ही है। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, नो आर डिबेट, गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के तत्व में भी सर आप ऐसे रहिए।
पीपल्स। सर इज नॉट इंग्लिश सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू को हिंसावादी कहा है सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का सर, इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये संविधान से ऊपर नहीं है सर, कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। स्पीकर सर माने प्लीज प्लीज एक मिनट देता हूँ मैं आपको। हिंदू धर्म कहता है, एक मिनट प्लीज माने सर, प्लीज एक माने प्लीज एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, ये सदन की एक मिनट मैं दूंगा, अलाउ करूंगा आपको। माननीय सदस्यगण, इस सदन की एक गरिमा रही है, और हमें संवाद चर्चा करते समय इस सदन की गरिमा को रखना चाहिए, और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा। सर अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो शिव तो क्या हो रहा है सर, अगर आप शिवजी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा। स्पीकर सर, कहां कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। प्लीज सर, कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान, मेरा व्यवस्था का सवाल है, इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है। आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधुन करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए, हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है।
स्पीकर सर एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्यगण आप ही राम भगवान की जन्मभूमि ने अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले। नो सब चले, नो आपने बताया था नियम, नो माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए बैठिए सर, ये ऑफ होता है, माने बैठिए प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रह पूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो प्लीज बात सुनिए, आसन पर सभी दल के प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी, कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो, यह आपसे अपेक्षा की जाती है। सर मेरा, मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई यह है कि माइक ऑफ हो जाता है, मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा आधा पैर आएगा क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या, बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो, मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया, मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है।
उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया, उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, तीन बार इन्होंने कहा कि तीन बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, दो बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। सर क्या है? माने प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, माने प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना, ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतिया पे बोले, कार्यक्रमों में बोले, आप व्यक्तिगत रूप से नहीं, अगर आप ये उचित मानते हैं, क्या स्पीकर सर ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट एड्रेस पे होनी चाहिए, ये जो मैंने किया है। अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी,
प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस, एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है सुबह 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी तो मैंने पूछा क्या हुआ, मुझे कहती है मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है। बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों, कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों, खरीद नहीं पाई, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पीट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं। कहती है आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, छोटा सा घर था। ठीक है, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो।
एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष स्पीकर सर, देखिए स्पीकर सर, देखिए राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय, अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए माननीय, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है माननीय, सच बोलना चाहिए। और अगर एक नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। क्योंकि सर ये विषय गंभीर है, और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि दो स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को, और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए, और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बात रखेंगे सर। और स्पीकर सर, और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है,
पीएमओ का स्कीम है। यस। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से अध्यक्ष महोदय मैं अध्यक्ष महोदय मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है, हम इस स्कीम को नहीं चाहते। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है, मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है, मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं, प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है, मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते इससे दोनों से मिला, आज तक नहीं आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता, मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है, मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं, ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूँ। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई, मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी, मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती कांपती हुई ऐसे,
फोटो दिखाती है, ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, माने राहुल गांधी जी, एक मिनट माने सुरेश, एक मिनट नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए, ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नौ सर गौरव 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 अगर आप मुझे अगर आपको स्पीकर सर मैं पुरानी पार्टी है गौरव गौरव स्पीकर सर मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान वही वही, मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में, भगवान का मैसेज आया होगा मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक, और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है बंबई एयरपोर्ट, अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया, ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन 24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लो। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल एंड बिजनेस, स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला, साफ बोला, अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए
लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया, हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो, हर स्टेट में हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। किसानों को आप किताब लेके क्यों खड़े हो? कानून बनाना चाहते हो? आप क्या बोलना चाहते हैं कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115, और वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवेर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। यह आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2), इसीलिए वो जो बातें कर रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए कर रहे हैं। यह आपका डायरेक्शन है। तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। ऑथेंटिकेट कर देंगे। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिवजी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो आप बात नहीं करते। आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं,
मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, कैसे सदन में चल सकता है माननीय? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो माननीय, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी एलाई सिर हिला रही है, वो भी सहमत है, कौर जी सहमत है, देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत है आपसे, वो सहमत है। माननीय बोला नो, माननीय सदस्य किसान क्या मांग रहा है सर? स्पीकर सर, माननीय सदस्य, स्पीकर सर, किसान क्या मांग, सॉरी, मेरा ये आग्रह है, आपकी पार्टी का समय नहीं बचेगा, पूरा सर, और आप तो सर, और स्पीकर सर, आप तो स्पीकर सर, किसानों ने, स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर, स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने सिर्फ किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के लीगल गारंटी, ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी, तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी? आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे, ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी दी जा रही है। स्पीकर सर, एमएसपी जब मैं स्पीकर सर, एमएसपी विद लीगल गारंटी, स्पीकर सर, द इशू इज एमएसपी विद लीगल गारंटी, नॉट जस्ट एमएसपी, एमएसपी इज बीइंग गिवन, द इशू इज किसान वांट एमएसपी विद लीगल गारंटी व्हिच यू आर नॉट रेडी टू गिव देम। तो किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर, सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, yes, yes. जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं,
वो रास्ता बंद कर दिया और अब एक नया फैशन निकला है, नीट नीट प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 20-22% है, वो पूरा का पूरा एग्जाम सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं कमर्शियल एग्जाम्स 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है, जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया, माइनॉरिटीज ने क्या किया, हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं, पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा नफरत फैलाई। तो शिवजी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने, सर वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया, देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य, ये देखो एक मिनट सर, आप एक मिनट ये सर, मैं सर इतना कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्य प्लीज, नहीं ये ठीक नहीं है, नो मैं एक मिनट प्लीज एक मिनट, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, नियमों का पालन हो। आप खुद मानते हैं शिवजी को भगवान, और उनको बार बार इस तरीके से यहां पर चित्रित करना ये उचित नजर नहीं आता मुझे लगता है। स्पीकर सर देखिए, रूल्स की किताब पढ़ोगे आप, रूल्स में है कि आप कोई भी चित्र को नहीं दिखा सकते सदन में, आप किसी बात का नाम नहीं ले सकते आप।
आप नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोल रहे हैं। सदन की मर्यादा नियम प्रक्रिया इससे चलती है, आपने बनाया, सबने बनाया है। स्पीकर सर, नो डीलिंग, नो डीलिंग, नो डीलिंग, नो डीलिंग, इट्स नो डीलिंग। स्पीकर सर, दिस इज नॉट राइट। सर, माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 356 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। ये इमीडियट बोलो, रूल्स बोलो। अच्छा, इनको रूल्स पे चलने दो। हाँ बोलो इमीडियट जी, रूल में नहीं है ये, अब रूल में नहीं है, 349 में कोई चीज दिखा सकते हैं। चलिए बताइए रूल। हाँ सुनिए, सुनाओ आप इनको। सर 3492, फिर आपकी भी सुनो। व्हाइल हाउस इन सिटिंग अ मेंबर शैल नॉट इंटरप्ट एनी मेंबर while speaking by disorderly expression or noises or any other disorderly manner. Sir, in the same way, sir, number bolo. Sir, sir, 349, 349, 349, 349, 2, 349, 2. Sir, while the house is in sitting, 2, shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or any other disorderly manner. Sir, you, sir, shall maintain silence when not speaking in the house. 9, 349, 2 and 9. Very clear, sir. एक मिनट। अब आप एक मिनट, आपने बताया 349। ओके, एक मिनट इस पे आ जाए। सभा में झंडे, प्रतीक या कोई भी प्रदर्शित वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप आपकी सदस्य का रूल की पालना कर लें, अच्छा है। तो नीट में तो सब जगह भय फैलाया, नियम बताया, उसकी पालना करने के लिए कह रहा हूं मैं तो। प्लीज आप मान अधिवक्ता है, प्लीज बैठिए। अध्यक्ष आसन पर बैठे सभापति या अध्यक्ष मान्य सदस्य को अलाउ कर सकता है, ये नियम में नहीं है, ये नियम में नहीं है क्या? नो, कर सकते हैं आप। रूल्स पे मत चलिए, रूल्स पे चलेंगे तो नो, ये नियम में नहीं लिखा कि एलओपी बोले तो आप बीच में नहीं बोल सकते। नो, अध्यक्ष के आसन की व्यवस्था दे सकते हैं प्लीज। चलो सर, यू अलाउ टू मिनिस्टर्स, थ्री मिनिस्टर्स, एंड आई वांट टू मेक वेरी शॉर्ट रेफरेंस। रीड दिस 352, ए मेंबर व्हाइल स्पीकिंग शैल नॉट मेक पर्सनल रेफरेंस। By way of making an allegation, imputing a motive to or questioning the bona fides of any other member of the house. Okay. As Rahul Gandhi made reference to any other member, sir, ये हुआ नहीं। और
or use utter treasonable, seditious or defamatory words. He is mentioning the name of Shiva. Defamatory? आप क्यों विद्वान में बैठा हो ना सीट पे, आपको अभी, अभी मैं बता दूंगा सब नियम। सर ये लोग नहीं समझते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश दे थॉट दैट रेफरेंस टू ही डिड नॉट मेक एनी पर्सनल रेफरेंस प्लीज। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ओके सर, राजनाथ सिंह जी, सर राजनाथ सिंह जी मेड अ पॉइंट ऑन अग्निदीप। देयर इज अ मेथड टू करेक्ट any wrong statement made in the house. Please read 115.1 of the directions by the speaker. It says, a member wishing to point out any mistake or inaccuracy in a statement made by a minister or any other member shall, before referring the matter in the house, write to the speaker pointing out the particulars of the mistake or inaccuracy and seek the permission of the speaker to raise the matter. Has Rajendra Singh written to you? Has he written? No. He has not written. All this is the permission. Shivraj Singh Chauhan. Sir, sir, itne din baad Lok Sabha mein aaya. Abhi aap suniye. Khada hoke bolne laga. Ye mazak ki jagah hai kya? Ye log given a notice. No, no, mere paas hai sir. You cannot point out mistake. Or on MSP, he made a statement. Nein. What right he has aap without reference? आपने 352 का हवाला दिया। 352 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, कोई भी तथ्य ऐसे कभी भी नहीं बोले जाएंगे जो इस सदस्य का सदस्य नहीं, सदन का सदस्य नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता इन नियम प्रक्रियाओं की पालना करें। और दूसरा विषय जो माननीय सदस्य ने कहा है, 102 के अंदर ही सदन पे सभापति या अध्यक्ष किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दे सकता है नियम प्रक्रिया के तहत। नौ स्पीकर साहब, मेरी परमिशन से किसी को भी अलाउ कर सकता हूं और मेरी बिना परमिशन के कोई भी बोला है। सी सर, स्पीकर साहब, नीट स्टूडेंट्स स्पेंड इयर्स एंड इयर्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, देयर फैमिली सपोर्ट्स देम फाइनेंशियली इमोशनली, एंड द ट्रूथ इज दैट नीट स्टूडेंट्स टुडे डू नॉट बिलीव इन द एग्जाम because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. Now, इससे भी बहुत डर होता है, महीनों पढ़ाई करते हैं, यह पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा नहीं होगा, अगर पास भी हो गए तो पैसा कहां से आएगा, तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं, सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो आप, अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो, सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप, क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूं, सर समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूं,
सर लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है, ग्रुप ऑफ 22 23 24 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्यमेव जयते, ना डरो ना डराओ। सर व्हेन आई बिकेम एलओपी आई रियलाइज्ड समथिंग दैट आई हैड नॉट रियलाइज्ड बिफोर एंड इट्स आल्सो ऑन द लाइंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ शिवा, इट्स ऑन द सेम लाइंस एंड द आइडिया वाज दैट आफ्टर बिकमिंग एलओपी ऑल माय पर्सनल ड्रीम्स माय पर्सनल एस्पिरेशंस माय पर्सनल फियर्स हैव टू बी पुट असाइड। आई एम नाउ एक्चुअली टू पीपल, आई एम नॉट वन पर्सन, आई एम ए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन एंड माय जॉब इज टू बी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टू रिप्रेजेंट ऑल दीज पार्टीज इक्वली। इन फैक्ट I don't just represent the Congress party, I represent every single party. And I have to treat every single party with love and affection. So when Hemant Soren ji is in jail or Kejriwal is in jail, it should disturb me, it should hurt me. Yes. When you unleash your agencies on these political people, it is our job to defend them. Because there is a constitutional person and an individual. And what Shivji is saying is that when you are a constitutional person, the individual should die. The individual's aspirations, the individual's dreams should die. And you should become the voice of the people. Yes. Meaning that you should have no fantasies, no dreams, nothing. The perfect public representative is one who is actually dead. That is what Shivji is saying. You understand? Now, Speaker sir. Speaker sir, now, my advice. So there are two structures now. One is me as an individual and one is me as leader of the opposition. Me as an individual, I might have my likes and dislikes, I might have my views, but me as leader of opposition have to suppress them, have to reduce them and say, now I'm the voice of the opposition. That is the idea of the democratic system. The people have given me a responsibility, and that responsibility should overcome my personal likes, dislikes, aspirations. Now, Speaker sir, why I'm saying this, and forgive me for saying this, but when you were being put on that chair, I walked there to help you, to walk with you to the chair. And I shook hands with the Prime Minister and I shook hands with you. And then I walked to your chair, and you are the final arbiter of the Lok Sabha. You're the final word here. What you say fundamentally defines Indian democracy. You don't allow us to speak, you allow us to speak, you allow them to speak, you don't allow us to speak. All these things define Indian democracy. Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. Now, with all respect, sir, such a
प्लीज, एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट प्लीज, माननीय प्लीज, नो, प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है, और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर सर, अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूँ कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि सर, बड़ों सर, का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। स्पीकर सर, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। स्पीकर सर, आपकी बात को रिस्पेक्टफुली, बैठिए ना। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर आपको कहना चाहता हूँ कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। कस्टोडियन है, नेता प्रधानमंत्री है, स्पीकर इज द लास्ट वर्ड। अंत में स्पीकर इज द लास्ट वर्ड इन द लोकसभा एंड इन दैट स्पिरिट स्पीकर इज द लास्ट वर्ड इन द लोकसभा एंड इन दैट स्पिरिट एज मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वी आर सबसर्वियंट टू द स्पीकर। आई बिलीव दैट। Now there might be people in this room who think they are not, but I think the entire opposition believe that we are subservient to you, sir. And we will listen to what you say and we will bow in front of you. But the only thing I request, Speaker, sir, is it is important that there is fairness in this house. Yes. Now I gave a speech, Speaker, sir, and it was interrupted throughout. Yes. Now this time is going to be taken away from my colleagues. And I think that is unfair. Finally, I'd like to say that the principles that allowed us to fight are in our traditions. Truth, courage, non-violence, and they're in all our religions. And what you have come to represent today is untruth, a complete lack of courage, and violence. And my recommendation to you, if you take it, this country has a government and you are the government. And you are, whether we like it or not, you are the government of India. Elected by the people. And I agree to that. But I would say to you that as individual members, as the cabinet, you do not spread fear in this country. That you do not spread hatred in this country. That you listen
to the farmers of this country, you listen to the students of this country. When the opposition says to you, let's have a debate for one day, have it. It's not going to harm anybody. They're going to love you for it. The students of India are going to say, we love the government because they allowed us our voice. They let us speak for one day. So, do not spread hatred. Do not spread violence. Do not be fearful. Even the BJP members here, even the cabinet members, do not be fearful. You have a constitutional position. You are individuals and then you have a constitutional position. Rajnath Singh ji is an individual and he's the Defense Minister of India. And that is the way this country has to be run. And we as the opposition, don't take us as your enemies. We are not your enemies. We are here. We are sincerely here to make your work easier as long as you follow the basic principles that we have stated. And these principles are Shivji's principles. They are the principles of Shivji. Har Har Mahadev, you can say. To make the government. This is basically what I have explained here today is the concept of Indian leadership in all religions. Respect, affection, ahimsa, and always standing up for the truth. And I'm more than happy, all of us are more than happy to discuss anything you want without being nasty, without being aggressive, anything you want. We are ready to discuss. So please let us work together to take this country forward. You are the government. We have to accept that. You got 240 seats. So I congratulate you on that. At least accept it. Accept to kar lijiye. They're not happy. Okay, you're not happy. So I would say, we want to both work for this country. Work with the spirit of bravery. Work without violence. Work without hatred. Thank you.